नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषिन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर यहां पर बात करने वाले हैं। कल मेरे पास एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल आया था कि सर, क्या ज्योतिष शास्त्र में, वैदिक ज्योतिष में क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम दो वायरस के म्यूटेंट को कहीं ना कहीं कंपेयर कर पाए? डेल्टा म्यूटेंट, कोरोना वायरस का जो डेल्टा म्यूटेंट था, क्या वो ज्यादा खतरनाक है या ये ओमिक्रॉन जो आया है ये ज्यादा खतरनाक है? किस म्यूटेंट से हमें ज्यादा परेशान होना पड़ा या पड़ेगा? और या फिर क्या ओमिक्रॉन से ज्यादा डेथ हो सकती है? क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? जब मैंने सवाल पढ़ा तो मैं भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित था, थोड़ा सरप्राइज था कि यार सवाल तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा जरूरी भी है। इस सवाल का जवाब तो सभी के पास होना चाहिए। और उसके बाद मैंने अपने ज्योतिष की बुक्स को देखा और अपने एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज को देखा और उसके बाद सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करी। वैदिक ज्योतिष की मदद से, न्यूमरोलॉजी की मदद से और नेम एस्ट्रोलॉजी की मदद से मैं इस सवाल का जवाब आप सभी के सामने रख रहा हूं। हालांकि मैं मेथड डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तरीके और फॉर्मूलाज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट एक प्रॉपर कैलकुलेशन आप सभी के सामने रखने की कोशिश जरूर करूंगा। देखिए, ओमिक्रॉन जब हमारे सामने आया था तब जो कैलकुलेशन बनी थी और जो डायग्राम बना था, जो पैटर्न बना था ज्योतिष के आधार पर, और डेल्टा का जो पैटर्न बना था, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा अंतर है। हमें ऐसा लग रहा है कि ओमिक्रॉन अभी अभी हमारे सामने आया है या फिर अभी अभी इसका म्यूटेंट बना है। बट एक चीज मैं यहां पर जरूर कहूंगा कि ओमिक्रॉन जो मेरा कैलकुलेशन है उसके आधार पर अगस्त के महीने में ही आ चुका था, या फिर ये कहूं कि ओमिक्रॉन की शुरुआत जो थी वो अगस्त के महीने से हो चुकी थी। बाय एंड ऑफ द अगस्त कहीं ओमिक्रॉन शुरुआत ही रिजल्ट देना शुरू कर चुका था, बट शायद ये उतना ज्यादा प्रभावी या उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुआ था, इस कारण से वो इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आया। और कहीं ना कहीं डेल्टा ही यहां पर ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था, क्योंकि डेल्टा का प्रकोप हम सभी ने देखा है। डेल्टा की शुरुआत जब हुई थी तब डेल्टा भी स्लो मूवमेंट के साथ, स्लो पेस के साथ चल रहा था, और एकदम से डेल्टा फैल गया और डेल्टा ने उससे पहले और उसके बाद के सारे वर्जन्स को फेल कर दिया था। इसी तरह से ओमिक्रॉन भी क्या करता हुआ नजर आएगा। देयर इज अ बिग फाइट बिटवीन द डेल्टा एंड द ओमिक्रॉन, क्या आखिर कौन यहां पर अपना बेस बनाने की कोशिश करेगा। जब मैं थोड़ा रिसर्च भी कर रहा था ओमिक्रॉन पर, तो मैंने एक स्टडी पढ़ी WHO की, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि देर आर 32 म्यूटेंट ऑफ दिस काइंड ऑफ वायरस। ओमिक्रॉन के ऑलमोस्ट 32 प्रकार हैं। अब 32 में से कोई एक प्रकार है जो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उसके बाद देर इज अ लिस्ट ऑल्सो कि यहां पर देश, दुनिया के कुछ देशों में ओमिक्रॉन के इफेक्ट्स दिखने लग गए हैं, ओमिक्रॉन के केसेस भी यहां पर मिलने लग गए हैं, और ये एक चिंताजनक बात यहां पर दिखाई देती है कि क्या ओमिक्रॉन यहां पर अपना पैर पसार रहा है, क्या ओमिक्रॉन अपना बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, या डेल्टा अभी भी उसको मात देगा और डेल्टा ही सबसे खतरनाक रहेगा। देखिए, जब डेल्टा आया था तब उस पर शिकंजा कसने में हमें समय लग गया था, उस पर वैक्सीन्स के प्रभाव को डालने में थोड़ा समय लग गया था, और इस कारण से डेल्टा ने अपने पांव जल्दी पसार दिए थे, जल्दी से डेल्टा अपने आप को फैला चुका था। ओमिक्रॉन ऐसा नहीं कर पाएगा, ये बात मैं आपको ज्योतिष के आधार पर बता रहा हूं। इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं वो मैं आपको बताता हूं। ओमिक्रॉन ऐसा इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि ओमिक्रॉन के पास प्लैनेट्स का सपोर्ट नहीं है। जी हाँ, प्लैनेट का, नेगेटिव प्लैनेट का सपोर्ट बिल्कुल है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है यहां पर, ये राहु क्रिएट करेगा। राहु यहां पर गेम खेलने की कोशिश करेगा और राहु यहां पर ओमिक्रॉन को सपोर्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, और राहु इसीलिए करेगा क्योंकि राहु के पास पावर आ रही है थ्रू द सूर्य ग्रहण, तो इसीलिए सूर्य ग्रहण का भी प्रभाव यहां पर जरूर देखने को मिलेगा, और सूर्य ग्रहण के कारण से या सूर्य ग्रहण के बाद में ओमिक्रॉन के प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेंगे, ये भी एक कड़वा सच है। अब देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि अगर यही ओमिक्रॉन मुझे अगस्त या सितंबर के महीने में दिखाई देता, मतलब कि इसकी न्यूज अगस्त या सितंबर के महीने में दिखाई देती, तो शायद मैं कहता कि ये ओमिक्रॉन आने वाले 45 दिनों में बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन थी उस समय कि कोई कोई वायरस म्यूटेंट आ रहा है और उसके प्रभाव देखने को मिलेंगे। ये बात मैंने आप सभी को उस समय भी बताई थी,
कहीं ना कहीं मुझे अभी भी लगता है कि ओमिक्रॉन की शुरुआत तो उसी समय हो चुकी थी, बट ये उतना ज़्यादा बाहर नहीं निकल के आया था। इस कारण से कहीं ना कहीं इसके प्रकोप को फैलने में टाइम लग गया। नाउ दिस इज द टाइम जहाँ पर ओमिक्रॉन फैल रहा है, बट अभी भी एक चीज़ कहूँगा कि ओमिक्रॉन डेल्टा के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मतलब कि ओमिक्रॉन उतना ख़राब इम्पैक्ट नहीं दे पाएगा जितना डेल्टा ने दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओमिक्रॉन से डेथ रेट जो है वो कम रहेगी एज कम्पेयर टू डेल्टा, ये बात भी मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बता रहा हूँ। ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ही मैं आपको इस स्टेटमेंट को देने की कोशिश कर रहा हूँ। मृत्यु दर जो है वो अब कम रहेगी यहाँ पर। 2021 का साल एंड हो रहा है और 2021 का साल जब एंड होता है तो यहाँ पर जो कैलकुलेशंस आ रही हैं वो कुछ इसी तरह की आ रही हैं। बीमारी रह सकती है, इन्फेक्शंस रह सकता है, कहीं ना कहीं आप वायरस से ग्रसित हो सकते हैं, वायरस आपको छू सकता है, बट वायरस के कारण से आपको नुकसान पहुंचे ऐसे चांसेस यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे, या वायरस आपको हार्म करे ऐसे चांसेस यहाँ पर नहीं दिखाई देंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो अब एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, जिस तरह से अभी चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह से समय चल रहा है, ये बात तो हमने ओमिक्रॉन के आने से पहले ही बता दी थी कि एक और म्यूटेंट यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा, वो हम सभी के सामने यहाँ पर भविष्यवाणी सच हुई है। ये भी मैंने कहा था कि ओमिक्रॉन या अब इसके अलावा और भी कोई जो म्यूटेंट आएंगे ये सारे लो कैटेगरी म्यूटेंट रहेंगे। हाई कैटेगरी म्यूटेंट डेल्टा था, उसके बाद अब और कोई भी म्यूटेंट अभी आने वाले एक साल तक तो नहीं है। तो इसीलिए इस बात का आप सभी को विशेष ध्यान रखना है और इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि डेल्टा ने जितना प्रकोप दिया था, डेल्टा ने जितना तबाही मचाई थी, उतना ओमिक्रॉन नहीं मचा पाएगा। ओमिक्रॉन का मेन प्रभाव कहाँ कहाँ पर रह सकता है उसको भी अगर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहला प्रभाव जो था हमारा वो यही था अफ्रीका में, जो कि हमने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया था कि अफ्रीका की कंट्रीज़ को अभी थोड़ा संघर्ष से गुजरने की समय की ज़रूरत है और यहाँ पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है वो हम सभी ने यहाँ पर देख लिया। इस वायरस का जो मेन प्रभाव रहेगा, ओमिक्रॉन का जो मेन प्रभाव रहेगा, ये साउथ और वेस्ट डायरेक्शन पर ज़्यादा रहेगा। पूरे वर्ल्ड के साउथ वेस्ट पर चले जाइए आप या फिर अपनी अपनी कंट्री के साउथ वेस्ट पर चले जाइए तो वहीं पर इसका प्रभाव ज़्यादा दिखेगा। इसलिए शायद साउथ अफ्रीका में इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया में एक या दो केसेस भी ओमिक्रॉन के आ जाते हैं तो शायद बड़े लेवल पर ऑस्ट्रेलिया परेशान हो सकता है, इसके चांसेस यहाँ पर बनते हैं। इंडिया में भी अगर बात करें तो साउथ में अगर साउथ में अगर ओमिक्रॉन के केसेस पहुंच जाते हैं तो फिर बड़े लेवल पे ग्रसित लोगों की संख्या बढ़ सकती है, बट हार्म नहीं है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात यहाँ पर नहीं है। अमेरिका में भी साउथ की तरफ देखिएगा तो थोड़ा परेशानी रहेगी, हर एक जगह पर साउथ में परेशानी रहेगी, इसके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि ओमिक्रॉन का जो कैलकुलेशन, जो वैदिक कैलकुलेशन है वो इंडिकेट करता है साउथ वेस्ट को और साउथ को, जबकि डेल्टा का कैलकुलेशन अलग था, डेल्टा की कहानी अलग थी, उसकी कैलकुलेशन पूरी तरह से अलग थी। यहाँ पर एक और चीज़ बता देता हूँ कि नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि दिस वायरस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द फ्लू एंड उसका प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो इसीलिए आप सभी को यही कहूँगा कि बहुत जल्दी आपको अच्छी न्यूज़ ही देखने को मिलेगी, खराब न्यूज़ यहाँ पर नहीं आएगी। एक और जानकारी आपको यहाँ पर देता हूँ, जो भी बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस कर रहे हैं, एक और न्यूज़ फ्लैश हुई थी कि कोई भी वैक्सीन ओमिक्रॉन के ऊपर प्रभाव नहीं कर रही है, मतलब कि ओमिक्रॉन के जो इफ़ेक्ट्स हैं उसके ऊपर किसी भी वैक्सीन का प्रभाव नहीं हो रहा, मतलब कि कोई भी वैक्सीन कारगर नहीं है। क्या वाकई में ऐसा ही रहेगा? क्या कोई नई वैक्सीन बनेगी कोरोना की, या ओमिक्रॉन पर कोई कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा? तो इसकी भी ज्योतिषीय गणना में आपको बता देता हूं कि वैक्सीन का प्रभाव ओमिक्रॉन पर रहेगा, कि बात मैं अपनी कैलकुलेशन के आधार पर दे रहा हूं, कोई साइंटिफिक प्रूफ यहां पर नहीं कर रहा मैं चीज़ों को, बट वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर बता रहा हूं कि ओमिक्रॉन पर वैक्सीन का प्रभाव रहेगा और बहुत जल्द, अगर वैक्सीन नहीं है तो बहुत ही जल्द जो करंट वैक्सीन है उसी में करेक्शन करके ओमिक्रॉन पर इसका प्रभाव दिखाया जाएगा। नहीं तो यहाँ पर जो वैक्सीन अवेलेबल है, जो लिस्ट ऑफ वैक्सीन हमारे पास है, उसी में से कोई ना कोई ओमिक्रॉन पर प्रभावी रहेगी और बहुत जल्दी आप देखिएगा नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ की तरफ से कोई ना कोई न्यूज़ आपको आती हुई दिखेगी जो कि वैक्सीन से रिलेटेड होगी, या बहुत जल्दी WHO की तरफ से भी कोई न्यूज़ आपको आती हुई दिख जाएगी। बट कहीं ना कहीं नॉर्थ
पॉजिटिव है, साउथ पोल अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव है। इन द रेस्पेक्ट ऑफ वायरस की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, नेगेटिविटी की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए ओमिक्रॉन का प्रभाव जो है वो साउथ की तरफ ज्यादा रहेगा और नॉर्थ में से अच्छी न्यूज आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अभी डायरेक्शन कुछ इस तरह से चल रहा है, एक तरफ बेस नेगेटिव और एक तरफ बेस पॉजिटिव, कुछ इस तरह के बेसिस यहां पर हम देख पाएंगे। यहां पर दोनों ही चीजों का ध्यान रखिएगा कि आप सभी को थोड़ी सावधानी जरूर रखनी है और परेशान और पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ये टाइम परेशान होने का नहीं है, ये टाइम प्रिकॉशंस रखने का है, ये टाइम थोड़ा सा सावधानी रखने का है, ना कि अपने आप को पैनिक करने का है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट भी यहाँ पर रिकवरी करते हुए नजर आएंगे और अमेरिकन प्रेसिडेंट भी यहाँ पर अच्छी चीजें बोलते हुए, अच्छे स्टेटमेंट देते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, इसके चांसेस बनते हैं। और इस ओमिक्रॉन का प्रभाव हमारे देश और पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत जल्दी इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा। यहां पर देखा जाए तो मैक्सिमम 15 जनवरी या 20 जनवरी तक का समय रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे डाउन ट्रेंड आएगा और फरवरी के बाद तो मैंने आपको वैसे भी बता रखा है कि वायरस के जाने के रास्ते बन जाएंगे और फ्लू में कन्वर्ट हो चुका होगा और काफी हद तक चीजें जो है वो अच्छी होते हुए यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी। तो किसी भी तरह से ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा प्रभावी, ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड चीज कि डेल्टा जितना गंदा इम्पैक्ट दिया था उतना ओमिक्रॉन नहीं दे पाएगा। तो आई होप आप सभी को चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, मैंने पॉइंट्स बता दिए थे, मैं वापस रिपीट कर देता हूं यहां पर। ओमिक्रॉन ज्यादा खतरनाक नहीं है, ओमिक्रॉन की जो एफिशिएंसी है वो डेल्टा के कंपैरिजन में बहुत कम है। ओमिक्रॉन के ऊपर वैक्सीन आपको जल्दी मिल जाएगी, कोई ना कोई राहत आपको जल्दी मिल जाएगी, ओमिक्रॉन आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा और डेथ रेट जो है वो ओमिक्रॉन की कम रहेगी एज कंपेयर टू डेल्टा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ये कैलकुलेशंस करके मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस रखिए, पैनिक मत होइए, परेशान बिल्कुल भी मत होइए और ये कैलकुलेशन होते हुए आप खुद यहाँ पर देखेंगे और मुझे ज़रूर बताइएगा जब भी आपको कोई ऐसा चीज़ दिख जाए जो कि हमारी कैलकुलेशन के ऊपर सही बैठता हो। उम्मीद करता हूँ कि ये रिजल्ट आपको अच्छा लगेगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।